सत श्री अकाल जी सारेनू, मेरा नाम जसविंदर सिंह है और स्वागत है आपका 99 ब्रिक्स रियल एस्टेट चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे 52 मीटर के प्लॉट पे बना हुआ एक बिल्डर फ्लोर। बिल्डर फ्लोर जो रहेगा वो 2 BHK का नक्शा रहेगा, 52 मीटर का साइज रहेगा, 26 मीटर के पेयर पे ये बिल्डर फ्लोर बना हुआ है। लोकेशन है रोहिणी सेक्टर 25, बट यूनिट जो हमारे को मिलती है वो टॉप फ्लोर की मिलती है, विद रूफ राइट मिलती है। तो छत पे भी हमारे को 2 कमरे, टॉयलेट बाथरूम और किचन बनी हुई मिलती है। तो अगर आपका बजट कम है और आपकी 4 BHK की रिक्वायरमेंट है तो आप इस बिल्डर फ्लोर को कंसिडर कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई इस तरह की प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं जिसके अंदर आप रह भी ले और आप रेंट आउट भी कर दें, तो आप अगर आप थर्ड फ्लोर को खरीदते हैं तो नीचे वाले फ्लोर पे जो 2 BHK का नक्शा है वहां पे आप रह सकते हैं, और जो छत है जिसमें 2 बेडरूम किचन टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है उसको आप रेंट आउट कर सकते हैं। तो इधर से आपको रेंटल भी आना शुरू हो जाएगा और आपकी रहने का भी पर्पज सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप इसको लोन पे लेते हैं और अगर आप टेरिस का फ्लोर किराए पे देते हैं तो किराया जो आएगा उससे आपकी लोन की EMI में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये निकल के आता है, तो इस बिल्डर फ्लोर को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके अंदर हम आपको पूरा बिल्डर फ्लोर दिखाएंगे और फिर आपको इसके प्राइस भी बताएंगे। सो फ्रेंड्स, ये रहेगा एंट्रेंस एरिया, ये हमारे को लिविंग रूम में स्पेस मिलती है, ये देख सकते हैं। और ये रहेगा डाउन सीलिंग का डिज़ाइन, सामने भी वॉल पे अभी वॉलपेपर इंस्टॉल होना बाकी है। और फ्लोरिंग जो है वो इटालियन मार्बल फ्लोरिंग है। ये स्पेस मिलेगी आपको लिविंग रूम के अंदर। इधर एक LCD पैनल बना हुआ मिलता है। और अगर हम नक्शे की बात करें तो इधर की तरफ रहेगा हमारा एक बेडरूम, बीच पर रहेगा कॉमन टॉयलेट बाथरूम, इधर रहेगा हमारा सेकेंड बेडरूम और ये रहेगी हमारी किचन। तो ये आपकी लिविंग रूम की स्पेस रहेगी, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके बिल्कुल साथ में देखें तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट बेडरूम, ये स्पेस मिलती है हमारे को फर्स्ट बेडरूम के अंदर। ये वार्डरोब बनी हुई मिलेंगी आपको, इसके अंदर आप स्टोरेज कर सकते हैं, ऊपर भी आपको स्पेस मिलती है स्टोरेज के लिए। ये रहेगा डाउन सीलिंग का डिज़ाइन और ये जो रूम है अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ रहेगा। इधर की वॉल पे आपको एक वॉलपेपर इंस्टॉल मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं, आप इसको किड्स रूम बना सकते हैं। ये इसके कॉपर की वायर्स डली हुई मिलेंगी ताकि आपको AC का इंस्टॉलेशन ईजिली हो जाए। तो ये रहेगी आपकी स्पेस, इसके बीच में आप अपना बेड इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके सामने देखें तो अपोजिट में हमारे को एक LCD पैनल मिलता है बना हुआ, जो कि सेम माइके का बना रखा है जिससे वार्डरोब्स बने हुए हैं। तो ये रहेगा LCD पैनल, साथ में एक विंडो मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए। इधर रहेगा अटैच टॉयलेट बाथरूम, तो ये आप देख सकते हैं अटैच टॉयलेट बाथरूम की स्पेस, ये टोटल स्पेस रहती है अटैच टॉयलेट बाथरूम के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम जैसे ही बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल साथ में हमारा एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये आपके सेकंड बेडरूम के साथ भी कनेक्ट रहेगा और आपका एज ए गेस्ट टॉयलेट बाथरूम भी रहेगा, कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी रहेगा। तो ये रहेगी उसकी स्पेस। ये इसमें जो विंडो है ये शाफ्ट से कनेक्टेड रहेगी, वेंटिलेशन आपको टॉयलेट बाथरूम में भी मिल जाएगी। इसके साथ में रहेगा हमारा सेकंड बेडरूम, तो ये आप देख सकते हैं सेकंड बेडरूम की स्पेस। बिल्डिंग में अभी काम चल रहा है, फिनिशिंग मोड पर है बिल्डिंग, तो ये आपको बिल्कुल कम्प्लीट मिलेगी। ये रहेगा इस रूम में डाउन सीलिंग का डिज़ाइन, सामने एक विंडो मिल जाएगी, वेंटिलेशन प्रॉपर होगी। और इसके साथ साथ आपको इधर की तरफ एक बालकनी का स्पेस मिल जाएगा, तो ये रहेगी बालकनी। इधर की तरफ लगा हुआ है LCD पैनल और इधर बने हुए वार्डरोब्स, तो ये वार्डरोब्स बने हुए हैं जिसमें आप बहुत अच्छे से स्टोरेज कर पाएंगे सामान की। ये आप देख सकते हैं कितनी स्पेस मिलती है, इतनी स्पेस आपको साथ वाले बॉक्स में मिलेगी। और नीचे भी बॉक्सेस बने हुए हैं और ऊपर भी बॉक्सेस बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी स्पेस है। इधर की तरफ आपको एक ड्रेसिंग टेबल का प्रपोजल भी मिल जाता है, तो ड्रेसिंग टेबल भी इसमें बना हुआ है। इधर आप अपना बेड इंस्टॉल कर सकते हैं और ये टोटल स्पेस रहती है हमारी सेकेंड बेडरूम के अंदर। इसके साथ में इधर की तरफ देखें तो ये रहेगा हमारा अटैच बालकनी का एरिया, सामने की रोड देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी रोड है, तो काफ़ी अच्छी पार्किंग स्पेस बिल्डर फ्लोर के सामने अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस आपको पार्किंग की मिल जाएगी। तो ये अभी हमने देखा अपना सेकंड बेडरूम, 2 BHK का ये बिल्डर फ्लोर है। अब हम अपनी किचन को देख लेते हैं, तो ये बनी हुई है हमारी किचन साथ में, तो ये आप देख सकते हैं ये रहेगी किचन की स्पेस। ये टोटल स्पेस आपको किचन के अंदर मिलती है, मॉडर्न किचन का काम हो रखा है, ये सभी ड्रॉअर्स बने हुए हैं जिसमें आप स्टोरेज कर सकते हैं। सामने आपका सिंक लगा हुआ है जो कि रहेगा आपका वेट एरिया, आपको एक विंडो मिल जाएगी वेंटिलेशन के लिए। ये रहेगा इसमें डाउन सीलिंग का डिज़ाइन, वार्डरोब्स प्रॉपर बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस आपको किचन के अंदर मिल जाती है। ये रहेगा आपका वर्किंग एरिया, इधर की तरफ बनी हुई आपकी किचन पेंट्री, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी स्टोरेज कर सकते हैं सामान की। ये सभी बॉक्सेस बने हुए हैं, इसके अंदर आप सामान स्टोरेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहेगी छत की टेरेस पे स्पेस, 2 रूम इधर टेरेस पे बने हुए हैं। इसके साथ साथ एक ये आपको किचन भी मिल जाती है जो कि ओपन किचन रहेगी, तो ये टोटल स्पेस मिलती है आपको टेरेस के ऊपर, ये ओपन स्पेस रहेगी टेरेस पे विद रूफ राइट, ये बिल्डर फ्लोर आपको मिलता है।
दो बेडरूम इसके अंदर बने हुए हैं, आप ये देख सकते हैं ये स्पेस रहेगी फर्स्ट बेडरूम की, ये टोटल स्पेस मिलती है आपको फर्स्ट बेडरूम के अंदर। इसके साथ में अगर हम देखें तो ये स्पेस मिलती है आपको सेकंड बेडरूम के अंदर, और ये बेडरूम जो है वो अटैच रहेगा टॉयलेट बाथरूम के साथ, ये स्पेस रहेगी आपके अटैच टॉयलेट बाथरूम में। और इसके साथ में ये स्पेस रहेगी आपकी ओपन के अंदर। इसके साथ में आप ये देख सकते हैं छत से आपको ये सामने डेवलपमेंट दिख रही है, ये सेक्टर 25 में जो है झील बन रही है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये, तो ये एक एंटरटेनमेंट जोन बनेगा, यहाँ पे आप अपना आके टाइम स्पेंड कर पाएंगे, झील बनेगी, ओपन पार्क बनेगा, तो एक टूरिस्ट प्लेस की तरह इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये भी यहाँ से बिल्कुल व्यू दिख रहा है इस चीज़ का, जब ये तैयार हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा व्यू इसका निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा DDA के 52 मीटर के प्लॉट पे बना हुआ 2 BHK का बिल्डर फ्लोर जो कि विद रूफ फ्लैट मिलता है, जिसमें छत पे भी हमारे को 2 कमरे टॉयलेट बाथरूम और किचन मिलती है, तो 4 BHK की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करता है बिल्डर फ्लोर। और इस बिल्डर फ्लोर की जो लोकेशन है वो रोहिणी सेक्टर 25 है, रोहिणी सेक्टर 25 के जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा वो रिठाला मेट्रो स्टेशन रहेगा, जो कि यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा। इस बिल्डर फ्लोर का जो आस्किंग प्राइस है वो है 73 लाख रुपीज, 73 लाख रुपीज में जो है लिटिल बिट नेगोशिएशन भी अवेलेबल है, और इस बिल्डर फ्लोर पे आप फाइनेंस भी करवा सकते हैं। अगर आप इस बिल्डर फ्लोर को फाइनेंस कराते हैं और अगर टॉप फ्लोर जो छत पे जो रूम्स बने हुए हैं उसको रेंट आउट करते हैं, तो इधर का जो रेंट आएगा उससे आपकी EMI में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, EMI आपकी काफ़ी पार्ट उसमें इस रेंट से निकल जाएगा और आप नीचे वाले फ्लोर पे 2 BHK के नक्शे में रह सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फ्लोर की रिक्वायरमेंट है तो आप पूरा का पूरा डुप्लेक्स को यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर रह सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इस बिल्डर फ्लोर पर विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसके अलावा भी हमारे पास इस तरह के कई और ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास 64 मीटर के टॉप फ्लोर भी हैं, 90 मीटर के टॉप फ्लोर भी हैं, 120 मीटर के भी टॉप फ्लोर अवेलेबल हैं, जिसके प्राइस के लिए आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दिल्ली NCR की प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ।